Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल को सुनने और देखने वाले भाई, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको बताएंगे कि ISP टावर, इंटरनेट का टावर लगा के बिज़नेस कैसे किया जाता है और ये कैसा बिज़नेस है, इसका टावर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कितनी हाइट होनी चाहिए, इसके लगाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले टावर लगाने के लिए आपके पास जहाँ पे आपने टावर लगाना है उससे चारों तरफ जो जगह है वो कम से कम 60 फीट और 50 फीट तो मस्ट होने चाहिए, लेकिन 60 फीट हो तो वो बेहतर है। ठीक है, ऐसा प्लाट हो जो जहाँ पे टावर लगे उसकी हर तरफ जो है ना फासला, वो जो खाली आपकी जगह पड़ी हो वो 60 फीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो 50 है तो काम तो चल जाएगा, लेकिन 60 हो तो बेहतर है। ठीक है, वो जगह खींच ली चाहिए जिस तरह ये देख लें, ये इसको खींचें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये टावर से जो पहली इसको खींच पड़ी हुई है ये तकरीबन 30 फीट की दूरी पे है, उससे अगली जो ये वाली है ये 30 फीट की दूरी पे है टावर से। ठीक है, उससे आगे अगर आपने जाना है तो ये 60 फीट पे पड़ी हुई है ये वाली। ठीक है, ये 60 फीट पे है, ये टावर है दरमियान में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो है इसकी बेस, वो आपको इसकी बेस बनानी पड़ेगी। ये देखें आप, ये बेस बनी हुई है टावर वाली, जो बेस है ये कम से कम 4x4 की होनी चाहिए, हमारी तो है 5x6 की, लेकिन 4x4 की ये ज़रूरी है। नीचे सरिये का जाल बिछाना चाहिए और उसको कंक्रीट से भर के, तो उसके दरमियान एक राड लगता है जिसकी एक साइड पे चूड़ी होती है, वो 6 इंच बाहर होती है जो जब टावर लगाते हैं तो उसके अंदर डाली जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये टावर की जो बेस है ये ज़रूरी है। हमारे टावर की जो हाइट है वो 120 फीट है, लेकिन अगर आप ISP का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए तकरीबन, अगर आपके पास हाइट 100 फुट है तो भी गुजारा चलेगा, लेकिन 120 आइडियल है इसकी। ठीक है, ये मस्ट होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ है। बाकी इसकी साइडों पे 3 खींचें लगती हैं। ठीक है, एक हमारी ये देख लें, एक साइड पे ये है, एक ये है, यहाँ पे ये बिलाल बैठा है, ये वाली 30 फीट पे, और एक फिर आगे ये 30 फीट पे है। ठीक है, तो ये 3 ज़रूरी हैं। ठीक है, यानी कि तीनों साइडों से, ये दूसरी साइड आ गई और इसके बाद ये, ये तीसरी साइड आ गई, ये लास्ट वाली जो नज़र आ रही है इससे पहले वाली आपको ये आ रही है। अच्छा, इसमें क्या ज़रूरी चीज़ है, ये बक्कल होते हैं ये लगते हैं, इसके साथ आपकी ये बक्कल प्लेट साथ लगाई जाती है, और इसकी बेसें जो हैं ये 3x3 की होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, 3x3, 3x3 का मतलब है 3 चौड़ाई, 3 लंबाई और 3 ही गहराई। उसके अंदर भी आपको एक सरिये का राड डालना पड़ेगा, 6 सूत्र मिले तो बेस्ट है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसको आगे से वो क्लोज़ किया हुआ है, जिसके अंदर एक यू क्लंप डाला है, यू क्लंप के बाद हमने प्लेट डाली है, प्लेट के अंदर फिर डाइयाँ डाली हैं, डाइयों के साथ आगे ये बक्कल डाले हैं। ठीक है, ये बक्कल डालने के बाद इसको आप एडजस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एडजस्टर भी बोला जाता है, एडजस्टर के आगे फिर ये तारें डाली गई हैं, तारें भी आपने कैसे डाली हैं देख लें, इनको भी डाइयों की मदद से या यू क्लंप की मदद से साथ लगाया गया है, फिर ये सीधी ऊपर चली गई। ठीक है, ये जो आपने आपको बताया था कि 4x4 का टावर की बेस होनी चाहिए, तो इस बेस में एक ये जो राड है ये भी
तकरीबन 4.25 फीट का होना चाहिए। इसके अंदर ये चूड़ी होनी चाहिए और एक बोल्ट बनवा लेना चाहिए, जो आप जब टावर लगाते हैं तो उसके नीचे एक प्लेट लगती है, उस प्लेट के उस टावर की जो प्लेट है ना, उस टावर की जो प्लेट है मैं बता रहा था, तो वो जो राड है जो इसके अंदर आप फिक्स करते हैं उसको बाहर निकालना है बिल्कुल सेंटर में रख के, ठीक है। तो जब ये आप टावर लगाने लगेंगे तो एक प्लेट नीचे लगेगी, उस प्लेट को इस राड की अंदर दरमियान से प्लेट को सुराख होगा, इस राड के अंदर डाल के उसको कसेंगे, उसके ऊपर ये टावर स्टार्ट होगा। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपको बता देते हैं कि ये जो टावर है इसका एक पीस, इसकी हाइट होती है 10 फीट। कितनी होती है इसकी हाइट? इसकी हाइट होती है 10 फीट, ठीक है। 10 फीट के बाद फिर जोड़ आ जाता है, तो जो एक जोड़ है उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है पीस, यहाँ पे हो जाती है हाइट 20 फीट, ये जो सामने नज़र आ रही है। 20 फीट के बाद आपने तीनों साइडों पे पहली जो है ना इसको खींच डालनी है, ठीक है। जब आप ये डाल लेंगे तो उसके बाद आप फिर आगे 20 फीट आगे चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप 20-20 करते जाएंगे और तीनों साइडों पे खिंच डालते जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये आपका टावर कंप्लीट हो जाएगा। मज़ीद अगर कोई सवाल किसी का बाकी हो या किसी को समझ ना आ रही हो कि टावर में मज़ीद क्या चीज़ें करनी है, तो वो हमसे रابطہ कर सकते हैं।